मैं महंत सुभाजी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदेश ऑल इंडिया कांग्रेस, मैं इस वार्ड का रहा हूँ काउंसलर 3 साल। बदकिस्मती से 2024 का एयरप्लान गया ही नहीं। कभी डीसी साहब ने 5 करोड़ रुपया लाए तो चेयरमैन साहब ने बोला नहीं, हम डीसी थ्रू हम नहीं लेंगे 5 करोड़। कभी हमारे अकाउंट में आए तो डीसी साहब ने माना नहीं, वो सौथली माँ का सलूक आपस में रहा। 2024 का एयरप्लान गया ही नहीं। एक साल में हमने कम से कम 75% फिर भी काम की, 25% काम रह गई 2021-2023। ना 1 की काम हुई ना 3 की काम हुई, बीच में एक साल जो आया 22 का उसकी काम हुई सर। अगर कल कुछ और टाइम मिल जाता हमें तो ये शिकायत नहीं रहती। तो एक्चुअली ये जो 24 का साल था ये एयरप्लान गया नहीं, ये अधूरी कामी जो है वो फंड रुका रहा। आज आप अगर ये फंड जमा हो गया तो खर्च नहीं हुआ तो क्या फायदा वो फंड लाना। पीढ़ी क्या नाम इसका, ये जुड़ा हुआ है इसमें, ये रास्ता 2022 से ही पड़ा है। इन लोगों की डिमांड, ये थक गए लोग हमारे पास आते आते, जनाब इसका क्या होगा, जनाब इसका क्या होगा। 2 बार इसका प्रोजेक्ट पास भी हुआ, आधा किलोमीटर काम लाल लड़ का भी हुआ, लेकिन इसकी काम नहीं हुई। आगे जाके इन्होंने मेटल लगाया सड़क में, लेकिन यहाँ पे ना मेटल ना सीमेंट ना बजरी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। यही कोचा था इसको, इसकी हमने पर साल इन्हीं दिनों में काम की मैंने, ये मैटरलाइजेशन। तो ये जो अधूरी काम है तो वो होनी चाहिए। अब तो काउंसिल डिजॉल्व हो गया है, अब वहाँ पे एडिशनल जिस साहब बैठे, जिस साहब बैठे, कोई साहब भी बैठे, उनको ये काम करनी है, ये लोगों का कहना है। और हमारी भी गुजारिश रहेगी आला हुकामों से ही।